क्या हुआ? गैस मेरा जुखाम अभी भी ठीक नहीं हुआ है। तो हम पहुंच गए हैं सभी लोग घर। रूठिया यार मुनाव। तो गाइस ये सारा डालूंगा मैं ब्लॉग में। सच्चाई है ये। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जैसे कि आप मेरी आवाज सुन ही रहे हो, मुझे लग चुका है जुकाम और मेरी पूरी फैमिली विश्वास करने को राजी नहीं है। वो सब बोल रहे थे एक्टिंग चालू है। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताए कि मैं घर वालों को विश्वास दिलाने के लिए क्या करूँ। तो आज हम जा रहे हैं गाइस नीरवा, कुछ काम है मेरा और अमित का, और हमारे छुटकू को भी अपने साथ लेके जा रहे हैं, जो मेरे जीजी का बेटा है, मतलब हमारा भी बेटा है। उसका भी टीका कराना है तो उसको भी लेके जा रहे हैं, और हम लोग भी जा रहे हैं। तो दिखाते हैं आपको रास्ते में क्या क्या मस्तियाँ करते हैं। और हाँ, मुझे अपने लिए भी दवाई लानी है क्योंकि मेरा गला भी बहुत खराब है, जुकाम भी हो रहा है। मिलते हैं आपको रास्ते में, एक्सप्लोर करते हुए। टीका लगाने तो हम जा रहे हैं, बट ये पता नहीं है कि कौन सा टीका, ना तो भाभी को पता है और ना ही भैया को है। बट सेकंड डोज लगना है इसको अभी। सेकंड टीका है, हम सेकंड डोज ही बोल सकते हैं। सेकंड डोज ही पता नहीं, अब आज पता करके बताता हूँ मैं कौन सा टीका होता है, फर्स्ट क्या होता है, सेकंड कौन सा होता है। कार्ड में चेक करते, कार्ड में। ये गाड़ी कल इधर से नीचे नहीं लाई थी क्योंकि थोड़ा गाँव का जो रास्ता है हमारा थोड़ा ठीक नहीं है, नीचे थोड़ा सा, तो गाड़ी पर ही खड़ गया। एक दो पॉइंट थोड़े खराब है। तो यहाँ पर पिंकी का वेट करते करते थक गए हैं। पिंकी ने पर्स भूल लिया था अपना, और पर्स लाने वापस गए थे बट अभी तक वापस नहीं आए। अब पता नहीं दो रास्ते यहाँ पर, कौन से रास्ते पे वो निकल गए होंगे। और मोबाइल भी मेरे जेब में ही रह गया पिंका का। लंडे को उठा दिया है, गाड़ी में सो रहा है। एक कैंडिडेट हमारे यहाँ पर वेट कर रहे है। ये हम वेट कर रहे हैं ऊपर, हम वेट ऊपर कर रहे हैं। आप इधर से ज़ूम कर, बहुत डरते हैं। दिन को कौन खाया? ये हमारा स्कूल है यहाँ पे। गाइस हम पहुंच गए अंतरौली, और अंतरौली से आगे निकल रहे हैं। जो रोड बना है ना, उफ माय गॉड, इतना आनंद है चलाने का। 707 लो पकड़ो। ये नेशनल हाईवे 707 से निकल चुके हैं, ये पोंटा से रोड। वाओ, आगे दिखाना भी है थोड़ा, आगे वैसे करो, आगे वैसे मोड़ो, देख सकते हैं आप। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, गाड़ी चलाने का मजा ही कुछ और है। रास्ते में फंस गए है, और ये लग चुका है जाम पूरा नेशनल हाईवे का। तो गाइस ये देखिए, यहाँ पे बेचारा पिकअप में जा तो रहा है। ऐसा रिस्क ना ले आजकल, बारिश कभी पड़ सकती है बरसातों में। तो बंदा भी है, भी ऐसे बैठा है नीचे आराम से, फिर उसके बाद छतरी चढ़ाई बंदे ने। अपड़ा ही बंदा है, अब तो अपड़े हो गया, अब किसके हो गए? HP 17 वाला ही बंदे। ऐसा हो सकता है कि मार्केट आए पिंकी और कुछ खाए ना, शर्मा रही है क्योंकि काफी कमेंट में आ चुका है कई बार की कहीं भी जाते हो फास्ट फूड से बचते नहीं हो। कैसे, टेस्टी है? मैं तो कुछ खाई नहीं रही। नहीं देखिए, बच्चा खुचा मैं खा रहा हूँ। दीदी दिखा रही है, देखो इनके हाथ में। ओए शोर क्यों कर रहा है? देखो जुखाम जुखाम नहीं है ना, इसका मतलब आपको जुखाम नहीं है। रूठी यार मुनाव। तो गाइस ये देखिए, ब्लॉगर प्रियंका राणा यहाँ पर रूठ चुकी है अपने पति से ही। गाइस मेरा पति बहुत बुरा है। गाइस मेरा पति इस दुनिया में सबसे बुरा पति। ये सारा डालूंगा मैं ब्लॉग में। सच्चाई है ये। तो गाइस नीरवा से आके थोड़ा गाड़ी गंदा हो गया था, तो कार वॉश कर रहे थे, तो पिंका और भाभी आराम से गाड़ी में बैठे थे, और मैं और मेरा बड़ा भाई यहाँ पर कार वॉश कर रहे थे। काफ़ी गंदी हो गई थी गाड़ी, तो
थोड़ा बहुत यहाँ पर सोचा कि वॉश कर लेते हैं। ये जो दिख रहा है आपको हरियाली, ये NH 707 बहुत ही खूबसूरत रास्ता ये बनता हुआ, बहुत ही ज़बरदस्त है। आने वाले समय में काफ़ी मस्तियाँ होगी। और ये यहाँ पर मैं अर्पिन का थोड़ा फन कर रहे थे, पंगपिन का शीशा लगा के, और मैं जो कार वॉश कर रहा था तो आनंद ले रहे थे अंदर। तो अब चलते हैं, हम सब पहुंच गए हैं घर। और ये देखिए गाड़ी में भी थकान हो रखी है, और भैया ने कुछ अपनी शॉप के लिए छोटी मोटी शॉपिंग की है। और ये भाभी बरो पिंका, यह है गांव का एक ब्यूटीफुल दृश्य। ये नया ग्राउंड बन चुका है यहाँ पर, और ये है माता रानी का मंदिर, और ये हमारी गांव में पार्किंग, देख सकते हैं पार्किंग इधर है, और बहुत सारी जगह। क्या हुआ गाइस? मेरा जुखाम अभी भी ठीक नहीं हुआ। तो हम पहुंच गए हैं सभी लोग घर, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट व्लॉग में तो गाइस आज के लिए इतना ही, क्योंकि मेरा जुखाम अभी ठीक नहीं हुआ है। शेम छूटने वाला है। इनका कहना है कि मैंने गाड़ी में बहुत ज्यादा खराटे मारे, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। ओह माय गॉड, इतने सोए थे ना आप, क्योंकि मेरा नोजी बंद है ना, इसलिए खराटे मारे थे। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्ट, कीप लव आवर चैनल, और अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, और बहुत सारा प्यार दीजिए। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।